हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश वर्मा, आपका अपना कंप्यूटर ट्रेनर। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में मोस्ट जनरल कंप्यूटर के शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं। देखिए, कीबोर्ड शॉर्टकट की जितने हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हीं का हम एक एक करके बताएंगे। देखिए, पहला है कंट्रोल ए, यानी कि सेलेक्ट ऑल करने के लिए काम करते हैं, या फाइल को इधर उधर कॉपी पेस्ट करते हैं, उसका भी हम काम कर सकते हैं शॉर्टकट की से। अब माउस से पकड़ के इसे सेलेक्ट करना है तो ये पूरी तरह से नहीं सेलेक्ट होगा, क्योंकि इसका एक रेंज चूज करना पड़ेगा तो सेलेक्ट होगा। ऐसे है कि शॉर्टकट की प्रेस कीजिए कंट्रोल ए और सेलेक्ट हो जाएगा, आपका काम हो गया। आप सेलेक्ट होने के बाद आप इसको जो कुछ भी करना चाहते हैं आप इजीली आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं, अगर हम इसमें से इस टेक्स्ट को माउस से सेलेक्ट करते हैं, अगर हमें पूरी टेक्स्ट को एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट क्या होगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद हम कोई सा भी इस पे फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। इसका दो ही यूज़ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए और किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन सेलेक्ट होता है तो पूरा एक साथ होता है। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा है हमारा कॉपी, ठीक। कॉपी का प्रयोग हम जनरली डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, पीसी के अंतर्गत कर सकते हैं और हम टेक्स्ट के अंतर्गत कर सकते हैं। तीनों के अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो देखिए, हम स्पेशली आपको पहले टेक्स्ट पे अप्लाई करके बता रहे हैं। ये टेक्स्ट है, हमने सेलेक्ट किया है और इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं कि समझ में आएगा, इसको थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं। अगर यही टेक्स्ट हूबहू हमको सबसे लास्ट में चाहिए तो सेलेक्ट कर लिए और कॉपी करना है तो कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल सी। और हमारा जहाँ पे कर्सर रहेगा, ठीक, यहाँ पे लाना है तो एक और शॉर्टकट की होता है पेस्ट का, कंट्रोल वी। पेस्ट से हमेशा कॉपी किए गए कंटेंट को हम जहाँ पे लाना चाहते हैं वहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल वी करेंगे तो ये वाला जो मैटर है ऊपर वाला रेड कलर का जो हमने टेक्स्ट को किया है वो यहाँ पे भी कॉपी हो गया। तो ये टेक्स्ट के अंतर्गत किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कार्य करते समय कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट आल, इन शॉर्टकट की का यूज यूजुअली हमेशा होता है। उसके बाद से मैं एक और बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास सिस्टम में ये ड्राइव्स हैं या फोल्डर फाइल्स हैं, इनको भी एक जगह से दूसरे जगह हटाना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक सिंपल सा यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं जो किसी न किसी फोल्डर का नाम से है, तो अगर हमको ये है कि जैसे कि ये डेस्कटॉप लिखा है फोल्डर का नाम, तो मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, ठीक, और ये न्यू फोल्डर है, इसको ओपन किया और देखिए लिखा है कि दिस फोल्डर इज एम्प्टी, यह फोल्डर खाली है, और इसमें हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, आ गया। कट का प्रयोग क्या होता है, एक और शॉर्टकट की है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कट। कट का प्रयोग ये होता है कि जहाँ से हमें टेक्स्ट हो या फाइल हो या फोल्डर हो उनको हटाना है वहाँ से, तो हम कट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको यहाँ से हटाना है तो कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो हट गया, और हटने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसी के नीचे वो रेड वाला टेक्स्ट रहे तो कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे दोनों आ जाएगा सेम। वैसे ही हमारे ड्राइव में भी है, जैसे कि डेस्कटॉप को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, उसी तरह यहाँ कंट्रोल एक्स बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और बैक करके बाहर जाएंगे, और यहाँ आने के बाद वहां से हटाकर हमने एक न्यू फोल्डर बना लिया कंप्यूटर के नाम से, और इसके अंतर्गत हमको ले जाना है तो कंट्रोल भी करके पेस्ट करेंगे तो ये हमारा कट किया हुआ मैटर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए था हमारा, यहाँ से मैंने कट किया और बैक किया, और बैक करने के बाद कंप्यूटर फोल्डर में गया और यहाँ से पेस्ट कर दिया तो हमारा कंप्यूटर के अंतर्गत एक डेस्कटॉप फोल्डर आ गया और न्यू फोल्डर में से चला गया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, इसमें कोई
प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं कंट्रोल सी प्लस एन से, क्या होता है? तो देखिए, इससे ये होता है कि इसके अंतर्गत ऐसा ही एक और फोल्डर बनाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो एक न्यू फोल्डर बन जाएगा और इसका नाम हम इजीली दे सकते हैं, जैसे कि मैंने मेमोरी दे दिया और इंटर की प्रेस कर दिया, ठीक। तो ये हमारा फोल्डर बन गया। नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए इसका शॉर्टकट की भी दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू फोल्डर बन गया। तो उसके बाद से हमारे पास एक न्यू है, अंडू है, रीडू है, ओपन है, सेव है, सेव है, से प्रिंट है, फाइंड है। इन सब का यूज टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग मॉडिफाई करने के लिए, टेक्स्ट टेक्स्ट में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है और कहीं नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे अप्लाई नहीं होते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे हम कार्य करते हैं उनके अंतर्गत अप्लाई होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है न्यू, ये देख रहे हैं, ये एक हमारा डॉक्यूमेंट खुला है, इसका नाम है डॉक्यूमेंट वन, ठीक। अगर हम यहाँ ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे एक आएगा ऑप्शन न्यू, ठीक। न्यू का मतलब होता है कि नया हम डॉक्यूमेंट एक और बनाएंगे, तो उसका नाम हो जाएगा डॉक्यूमेंट टू। तो हम ऑप्शन के जरिए नहीं बना रहे हैं, हम शॉर्टकट की के जरिए बनाएंगे। तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया और इसका नाम भी दे दिया टू, ठीक। तो न्यू का प्रयोग हमेशा नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ठीक किया जाता है। ये दो ऑप्शन है और इन दोनों ऑप्शन का शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होता है अंडो का, और रीडो का होता है कंट्रोल प्लस वाई। तो देखिए, हाँ, जैसे कि इसको मैंने किया डिलीट, ठीक, डिलीट कर दिया। अब इसको लाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड, यानी कि आ गया हमारा लास्ट कमांड था डिलीट करना, आ गया। अगर फिर इसको पुनः गायब करना है यानी कि मिटाना है तो हम करेंगे कंट्रोल वाई। ये क्या करता है, अंडू कमांड को कैंसिल कर देता है, देखिए हट गया। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब ओपन के बता रहे हैं, ओपन का कार्य क्या होता है इजीली आसानी से। तो देखिए, ओपन का कार्य ये होता है कि पहले से जो बनी है फाइल उसको ओपन करने के लिए, ओपन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ओ, जैसे प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये ओपन का डायलॉग बॉक्स है। इसमें बनी हुई फाइलें बहुत तरह की होती हैं जो स्टोर होती है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक नाम है फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए ये ओपन हो गया, ठीक। अब सेव का प्रयोग क्या होता है, तो देखिए इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एस होता है, और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम पहले से सेव की गई फाइल है, जैसे कि ये सेव हो गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल के नाम से। अब मैंने क्या किया कि ये रेड टेक्स्ट जो है इसको डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो अब इसको पुनः दोबारा सेव करना है तो हम ये वाला सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन पर न जाकर कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो हमारा ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया। जब इस फाइल को मैंने बंद कर दिया हूँ, अब मैं जब खोलूंगा दोबारा रिसेंट पे जाके या हम ओपन पे जाके, तो खोलने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ओ, ओपन फाइल होगी। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है, इसको ओपन करेंगे तो जो चीज़ हमने डिलीट करके सेव किया था वो हमारा नहीं है, रेड टेक्स्ट नहीं ना दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके अंतर्गत फिर काम करने लगे तो हम इसके अंतर्गत जो हम डेटा को सेव करेंगे वो कंट्रोल एस से करेंगे, ठीक। और जब हम पहली बार कोई भी फाइल बनाए रहे हैं उसको सेव करना होता है तो हम किसके द्वारा करते हैं, सेव एज के द्वारा। देखिए ये डॉक्यूमेंट टू डिफॉल्ट ऑप्शन हम लिखा है, कंट्रोल एस बटन दबाएंगे तो, या F12 बटन दबाएंगे, F12, तो ये दोनों डायलॉग बॉक्स आएंगे। ये पहली बार जब कोई डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो कंट्रोल एस ही दबाते हैं, लेकिन हमारा कंट्रोल एस का काम नहीं होता है, ये हमारा F12 का, यानी कि सेव एज का होता है, पहली बार फाइल सेव होती है। तो यहाँ कंप्यूटर के नाम से सेव कर दिया, ठीक। अगर हम इसमें कुछ और चीज लिख देते हैं, जैसे कि कंप्यूटर इज अ मशीन, ठीक, अब इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव हो गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं
उसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, तो देखिए प्रिंट करने के लिए आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। प्रिंटर होगा, सिलेक्ट करेंगे कितनी कॉपी करनी है, कितना पेज करना है, वन सेट करना है, टू सेट करना है, एक के बाद दूसरा नंबर करना है कि चौथा करना है, उसकी सेटिंग, पेपर पे कौन से पेपर प्रिंट करना है उसकी सेटिंग, कितना मार्जिन चाहिए, ठीक, ये सारे के सारे कंट्रोल पी ऑप्शन के माध्यम से होते हैं। मैं एक दिन प्रिंटर पे प्रिंट करने की विधि पे पूरा का पूरा वीडियो बना के अपलोड करूंगा कुछ समय के बाद। अब हम जानते हैं एक फाइंड का प्रयोग क्या होता है। फाइंड का प्रयोग क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं, अब हमको इसमें फाइंड करना है टेक्स्ट कि कहाँ पे लेआउट लिखा है, तो कंट्रोल एफ बटन प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक, डायलॉग बॉक्स आ गया, इसमें लिखेंगे ले आउट। तो देखिए ले आउट लिख दिए हैं, तो जहां जहां ले आउट है वहां वहां ही हाईलाइट हो गया होगा। देखिए यहाँ येलो कलर का हाईलाइट है, यहाँ पे हाईलाइट है, इसमें दो ही प्रकार के लेआउट वर्ड लिखे गए हैं, टाइप किए गए हैं, ठीक, इससे अधिक नहीं है। तो फाइंड से यानी कि कंट्रोल एफ से कोई भी अक्षर को ढूंढना होगा तो ढूंढ सकते हैं, ठीक। और इसी में एक और ऑप्शन है कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज विंडोज और टैब लिखा है, इसका प्रयोग ये होता है कि ये देखिए इसके अंतर्गत ये फाइल हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल खुली है, तो हम जब कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये फाइल बंद हो जाएगी, ठीक। अब दूसरा फाइल आ गया, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब इसको भी कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तीसरा फाइल है हमारा क्या है, कंप्यूटर, इसको भी कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो ये भी बंद हो गया। अब हमारे पास कोई फाइल नहीं है, ये सिंपली एप्लीकेशन है, एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड प्रोग्राम टूल है जिसके अंतर्गत हम लेटर वगैरह यानी कि डॉक्यूमेंट संबंधित कार्य करते हैं। अब इसमें पुनः फिर से एक नया पेज लाना है, तो वही विधि है पहले जो बताए थे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास और मोस्ट इम्पोर्टेंट है अल्ट एफ फोर, क्विट प्रोग्राम या क्लोज एक्टिव विंडो, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे यही एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड प्रोग्राम खोला है, अब अल्ट एफ फोर बटन प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो कोई भी प्रोग्राम को बंद करना होगा तो अल्ट प्लस एफ फोर बटन प्रेस करते हैं तो हमारा बंद हो जाता है, ठीक। अब अल्ट प्लस टैब यानी कि स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, जैसे कि हमारे पास एमएस वर्ड ओपन हो गया, ठीक, उसी तरह हमारे पास एमएस पेंट ओपन हो गया, ठीक, उसी तरह हमारे पास एक्सल ओपन हो गया, ठीक, हमारे पास कई एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ वर्ड पे जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट टैब बटन प्रेस करेंगे और टैब का बटन प्रेस करते रहेंगे जब तक हम एक्सल पे न चले जाएं। तो देखिए एक्सल पे आ गए तो छोड़ दिए कीबोर्ड को अपने हाथों से, तो हमारा स्क्रीन आ गया। उसी तरह हमको किसी दूसरे पे अब जाना है तो ये दूसरे पे आए, छोड़ दिए उस पे, तो हमारा चला आया, ठीक। तो ये अल्ट टैब के प्रयोग से स्विच होता है, ठीक। अब है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ओपन टास्क बार, ओपन टास्क बार यह होता है कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या प्रोग्राम रन कर रहे हैं यानी कि काम कर रहे हैं, वो सब दिखाएगा। देखिए मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब हम लोग कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन प्रेस करेंगे एक साथ तो हमारी स्क्रीन जो है लॉक होकर टास्क बार दिखाएगा, जो कि मेरा रिकॉर्ड स्टॉप हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको उसको दूसरे तरीके से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है, नीचे जो हमारा टास्क बार है इसी पे टास्क मैनेजर है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो जो एप्लीकेशन ओपन हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जब हम कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यही आएगा टास्क मैनेजर, यहाँ से प्रोसेस दे सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं सीपीयू का, ठीक, डिस्क का, मेमोरी का, और यहाँ से ऐप से हिस्ट्री देख सकते हैं कि हम क्या क्या यूज़ किए हैं, क्या क्या हमारा प्रयोग हुआ है, ठीक, और स्टार्टअप, और यहाँ पे यूज़र है, हमारे सिस्टम में एक ही यूज़र है इसीलिए एक ही दिखा रहा है। यहाँ पे डिटेल्स दिखाएगा, यहाँ सर्विस दिखाएगा, कौन कौन सी सर्विस रनिंग है, कौन कौन सी स्टॉप है। आई होप ये भी आप लोग समझ गए हैं।
नेक्स्ट जो है हमारा विंडोज की प्लस डी है, सो डेस्कटॉप एंड मिनिमाइज ऑल विंडोज। ठीक, यानी कि जब स्क्रीन पे देख ही रहे हैं बहुत तरह के यहाँ टास्क बार दिखा रहे हैं, ये ओपन हुआ है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पेंट ओपन हुआ है, एक्सेल ओपन हुआ है, यहाँ पे ये खुद ही ये पीडीएफ फाइल ओपन किए हैं जिससे आप लोग को मैं बता रहा हूँ। जब हम विंडोज डी प्रेस करेंगे तो सारा मिनिमाइज होकर स्क्रीन सॉफ्ट हो जाएगा। अब ये है विंडोज की प्लस ई ओपन फाइल एक्सप्लोरर, जो हमारा पीसी का हार्ड डिस्क लगा होता है जिसमें ड्राइव जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं वही हमारा ओपन होगा। तो देखिए जब हम विंडोज़ और ई प्रेस करते हैं तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है, जहाँ पे हम रिसेंटली फाइल 20 यूज़ किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वरना यहाँ से दिस पीसी के अंदर जाएंगे तो आपका ये ड्राइव दिखाई देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट विंडोज़ एल, यानी कि विंडोज़ की और एल प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। अब जब हम प्रेस करेंगे तो सिस्टम लॉक हो जाएगा तो हम जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बता रहे हैं वो बंद हो जाएगा। आप खुद ट्राई कीजिएगा, विंडोज़ एल प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। अगर पासवर्ड लगाए हैं तो पासवर्ड जब एंटर करेंगे तो ओपन होगा, और नहीं तो बस क्लिक कर देंगे यूज़र पे तो ओपन हो जाएगा। अगर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो कृपया दूसरे व्यक्तियों को इसको शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए।